हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी फ्लिपकार्ट से फोन ऑर्डर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट से हम अपना मोबाइल कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने फोन में गूगल क्रोम जो है इसे खोलना है, या फिर आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन भी ओपन कर सकते हैं। चलिए गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करना है flipkart.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं flipkart.com आ गया ऊपर में, और यहाँ पे ये flipkart.com इस तरह से खुल गया। ये सेम प्रोसेस आप फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, वहाँ भी प्रोसेस सेम ही होगा। चलिए अब यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करने के लिए, अब यहाँ पे आपको जो भी फ़ोन लेना है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ से फ़ोन कैसे खरीद सकते हैं। तो जो भी फ़ोन यहाँ पे लेना है, ऊपर में यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। चलिए यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, हमें लेना है Realme 5i। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे ऊपर फ़ोन आ गया। अब यहाँ पे इसके सारे स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे 4GB, 64GB, हमें कौन सा लेना है, 2GB, 32GB, इस तरह से ये अलग फ़ोन है। तो हमें 4GB वाला लेना है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और इसका अब यहाँ पे हमने फ़ोन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें और भी सिलेक्ट करने को बाकी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर में आप इसके प्राइस देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 9,899 दिया हुआ है। अब नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आप जो है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट ग्रीन है, तो यहाँ पे आप इसे अलग कलर भी कर सकते हैं। एक्वा ब्लू है, इसमें एक्वा ब्लू करता हूँ, उसके बाद अप्लाई कर देते हैं। अब ये एक्वा ब्लू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज चेंज कर सकते हैं, कौन सा स्टोरेज आप लेना चाहते हैं। जैसे ये अभी सिर्फ 64GB में अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसे ही सिलेक्ट करने देते हैं। यहाँ पे आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो अप्लाई किया और उसके बाद इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीवरी एड्रेस दिखाएगा। अब यहाँ से अगर आपने एड्रेस नहीं डाला होगा तो यहाँ पे आपको पिन कोड डालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस ऐड करना है, आपको अपना पिन कोड डाल के ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ये सब सारे डिटेल्स बता रहा है कि कितने दिन में डिलीवरी होगा, 10 डे का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो ये सब तो यहाँ पे इसका हाईलाइट दिया हुआ है। इसमें 4GB रैम, 64GB रोम है, उसके बाद 6.52 इंच का HD डिस्प्ले है, कैमरा वगैरह कितना है, बैटरी 5000mAh का है। तो ये सब प्रोसेसर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये सारे डिटेल्स चेक करने के बाद अब फाइनली आपको नीचे बाय नाउ का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा एड्रेस आ चुका है। यहाँ पे आपको एड्रेस ऐड करने के लिए भी बोला जा सकता है, अगर आपने एड्रेस ऐड नहीं किया होगा तो। एड्रेस ऐड कर लेने के बाद अब यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आपके सामने पेमेंट का पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करने से आपके पास जब फ़ोन आ जाएगा तब आप पेमेंट करेंगे उसी समय। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक कैप्चा आ गया है, कैप्चा यहाँ पे फिल कर देते हैं और नीचे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है वो अब सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर जो है वो अब प्लेस हो गया है, ऑर्डर जो है हमारा हो गया है, अब ये फ़ोन हमारे पास आ जाएगा। आप चाहें तो इसे ट्रैक भी कर सकते हैं, व्यू ऑर्डर पे क्लिक करके, यहाँ पे व्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप चाहें तो इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ तक पहुँचा है। आप चाहें तो इसे कैंसिल कर सकते हैं कभी भी। तो इसी तरह से आप जो हैं फ्लिपकार्ट में कोई भी फ़ोन ऑर्डर कर सकते हैं।